हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके पे। और आज हम आपके लिए आए हैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बंगलुरु नीट MBBS कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर और MBBS की टोटल सीटें और फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। टोटल MBBS सीट कितनी है इस कॉलेज में, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है ये इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेजों में से एक है। 1963 में इसे स्थापित किया गया था। और अब इसके आगे बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स यहाँ कराए जाते हैं ये आप देख सकते हैं। MBBS यहाँ कोर्स कराया जाता है, MD, MS, DM, MCH और डिप्लोमा यहाँ कराया जाता है। तो MBBS का जो कोर्स है उसमें 150 सीटें हैं और कोर्स की जो टाइम अवधि है, जो ड्यूरेशन टाइम है वो 4 साल 6 महीना इसका कोर्स का टाइमिंग है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और MD का कोर्स जो है 76 सीटें MD के कोर्स के लिए हैं और 3 साल की इसकी टाइमिंग होती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं MC, DM और MCH और डिप्लोमा कोर्स के लिए आप देख सकते हैं 3 वर्ष का ये कोर्स है। और एडमिशन प्रोसेस जो है दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस इसकी जो है, इसके लिए सबसे पहले आपको नीट के माध्यम से आपको स्कोर कोड जो आपका होगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज में आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और काउंसलिंग वगैरह आपको करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया आप ये देख सकते हैं, आपकी एज जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। और MBBS और BDS कोर्स के लिए आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर से पहले आपने 17 वर्ष आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप ये देख सकते हैं, 10+2 आपका किसी भी बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए और जो आपका कोर्स होना चाहिए 10+2 का वो PCB से आपका होना चाहिए या बायोटेक से आपका होना चाहिए, PCB बायोटेक से आपका कोर्स होना चाहिए 10+2 का। और PG का जो कोर्स है यानी MD का जो कोर्स है उसके लिए आपको MBBS आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इसी MBBS की डिग्री के माध्यम से ही आप MD का कोर्स में आप प्रवेश ले सकते हैं। और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जो है ये आप देख सकते हैं। एडमिशन फीस आप देख सकते हैं 26,300 पर एनुअल फीस है और रिफंडेबल डिपॉजिट जो है 14,000 है। और एनुअल ट्यूशन फीस आप देख सकते हैं 5,16,100 रुपये देख सकते हैं। और टोटल कॉलेज फीस आप देख सकते हैं 5,57,860 रुपये। और इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं टोटल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फीस एडमिशन आदि की आप देख सकते हैं 5,68,080 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों आप नीट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है और अनरिजर्व जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 45% है। और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 40% है, ST के लिए 40% है, OBC के लिए 40% है, SC हैंडीकैप के लिए 40% है, ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है उनके लिए 40% है, OBC फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 40% है। तो दोस्तों अब आपको नीट कट ऑफ 2018 की बता देते हैं। और जनरल OBC ST ST की अपने जो इनकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल होती है उसमें कितना इनका स्कोर था और इनकी जो रैंक थी वो कितनी रैंक थी जिनको एडमिशन 2018 मिला था उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी का जो 50% उसमें 119 स्कोर था जिनका और 268,316 जिनकी रैंक थी उनको एडमिशन मिला था। इसी प्रकार आप OBC SC ST का भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, इसके आसपास ही रहेगा, 10-20 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इस हिसाब से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप नीचे नीट 2017 के भी देख सकते हैं, नीट 2017 की कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो ऑल इंडिया कोटा है उसके बाद जो स्टेट कोटा में अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए आपको 2 राउंड इसके लिए होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो काउंसलिंग के होते हैं और थर्ड राउंड में जो मॉपअप राउंड होता है ये थर्ड राउंड होता है अगर बची हुई सीटें कुछ हैं। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे कर्नाटका एजुकेशन की जो पोर्टल है उस पर आपको जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है,
फीलिंग चॉइस फीलिंग लॉक करना है आपको, और जो सीट अलाटमेंट होगा उसके लिए आपको फिर बुलाया जाएगा। तो आपको उसके बाद कॉलेज को रिपोर्ट करना है, और इसी तरह से आपको सेकंड राउंड के लिए भी करना है अगर फर्स्ट राउंड में आपका नहीं हुआ तो। दोस्तों अगर आप किसी और स्टेट से हैं और अगर अपने स्टेट की वीडियो आप देखना चाहते हैं, कट ऑफ देखना चाहते हैं, सीट अलॉटमेंट के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं हमने और स्टेटों के, आप वहां से अपने स्टेट की वीडियो देख सकते हैं और अपने स्टेट की पूरी जानकारी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और नीट 2019 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नीट 2019 से रिलेटेड इसी प्रकार की अन्य जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।